Good morning and welcome to all students in the class of the Commerce House in association with DAG Financial Services. चलिए आज आपका कॉमर्स का पहला दिन, आज कॉमर्स के लेक्चर्स में आपका पहला दिन है तो बहुत सारी बातें आपको जानकारी में नहीं है कि कॉमर्स होता क्या है, अकाउंटेंसी होती क्या है। तो थोड़ा सा आप अगर ध्यान लगा के 2 से 3 लेक्चर में आप अपना अटेंशन बनाएंगे तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया मिलेगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं कॉमर्स में। बिकॉज अभी तक जो है आपका स्टडी जो रहा है 10th तक, उसमें कॉमर्स का आपने ABCD भी नहीं पढ़ा हुआ है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू द कॉमर्स हाउस PCS इन एसोसिएशन विथ आवर यूट्यूब चैनल पार्टनर कैफ फाइनेंशियल सर्विसेस सियरा के सोल्यूशन। चलिए सबसे पहले ये जो जूम ऑनलाइन क्लासेस जो हमने ऑर्गेनाइज किया है वो भी विदाउट फी, जो कि शेड्यूल टाइम हमारा 10 मई 2021 से स्टार्ट है। और इसमें आप देखेंगे कि आपके पास मीटिंग आईडी रहेगा, आपके पास जो मीटिंग आईडी जो है वो ऑलमोस्ट सब क्लास के लिए सेम रहेगा। फ्यूचर में अगर फर्दर कोई चेंजेस पॉसिबिलिटी है तो किया जाएगा, अदरवाइज इसको आप सेव करके रखेंगे 7648806692 और पासकोड रहेगा आपका 11TH11, राइट। तो अपना ये शेड्यूलिंग था, थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना जरूरी था। तो आपके पास ये आईडी और पासवर्ड आपको सेव करके रखना है मोबाइल फोन में, रोज 7 बजे से जैसा शेड्यूल टाइम है। फिलहाल अभी 7 AM से आपका स्टार्ट रहेगा अकाउंटेंसी का बैच। चलिए अगर आप 11th कॉमर्स में एंटर्ड हुए हैं तो आपको जो क्लासेस आज करवाया जाएगा वो है आपका लेक्चर नंबर 1, और इसमें बातें जो होगी वो होगी इंट्रोडक्शंस एंड बेसिक्स, क्योंकि आपका फर्स्ट डे इन 11th है। आप आज पहले दिन 11th में आप ज्वाइन किए हो तो आपके पास ये सब सीन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए सबसे पहला बात मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि अपने पास ये क्या सीन है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपके पास जो व्यू हो रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, क्या इसका पर्पस है ह्यूमन ब्रेन का? ये ब्रेन का बात इसलिए किया जाए, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, आपको ये बातें समझ में आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? Why? Yes. चलिए मैं बोलता हूँ चिंग पोंग किंग चौपी चांग चिंग चो पांच को पाके चिंग पा, क्या बोला मैंने? चिंग पोंग चिंग पांची को पाकी को ची पो पाके चाबा, कुछ समझ में आया? No. मैंने भी क्या बोला मुझे भी पता नहीं है क्या मैंने बोला आपको, बट जिस्ट ये है कि हमारा ब्रेन उसी चीज को रीड करता है जिसके बारे में उसको नॉलेज है। Have you got it? जो चीज के बारे में हमारे को नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में हमको आइडिया ही नहीं लगा। मतलब ऐसा कह सकते हो कि ये हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन किस तरह के काम कर रहा है, ये है एक मोबाइल फोन, ब्लैंक मोबाइल फोन जो कि आपने अभी अभी मार्केट से खरीदा है। अब इस मोबाइल फोन में जो जो एप्लीकेशन डालोगे, जैसे अभी आप क्लास कर रहे हो जूम ऐप का, तो जूम ऐप आपने डाला तो जूम ऐप चालू है ना, यूट्यूब डाला तो यूट्यूब चालू, राइट। व्हाट्सएप डाला या पहले से ही आता है? नहीं, व्हाट्सएप डाला तो व्हाट्सएप डालना शुरू किया आपने, चालू हो गया। मीन्स ये दिमाग, अगर ये हार्डवेयर है, अगर हम इसको कहते हैं ये आपका ब्रेन जो है ये है हार्डवेयर, तो इस दिमाग रूपी हार्डवेयर को कुछ सॉफ्टवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ये सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर में जब लोड होगा तभी वो प्रोग्राम को रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। इतना बात समझ में आ रहा है हम लोगों को? तो सिंपल सा इस ब्रेन का फोटो दिखाने का पर्पस भी यही था कि इस दिमाग में हमको सॉफ्टवेयर डालना है। यानी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर इसमें आप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब वो डाउनलोड करने में टाइम लगेगा,
वो फाइल के साइज पे निर्भर करता है। जैसे जूम ऐप आपका 20 MB का है तो 2 मिनट में डाउनलोड हो गया। अगर 11th अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर अगर 20 GB का होगा तो 6 महीना लगेंगे ना डाउनलोड करने में। सेम टू सेम पर्पस आपका रहेगा। तो देखिए, डू यू नो व्हाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आंसर आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे को पहले से मालूम था। आपने 10th तक का जो स्टडी किया, 10th में जो स्टडी किया, ये सब पढ़ा हुआ था, तो ये मालूम है। अब अकाउंटेंसी में क्या फॉर्मूला है वो मालूम नहीं है, वो करना है हम लोग, राइट? तो हमारा दिमाग ये तो जानता है, तो इसके बारे में बता दिया। ये क्या है? कुछ भी है, H2O, हाइड्रोजन का 2% एंड ऑक्सीजन का 2% बन के पानी बनता है H2O। ये सब बातें हम लोग मालूम है एज अ लर्नर। आपका जो स्टार्टिंग हो रहा है, हाँ जी आयुष जी हाथ हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है? आप वॉइस को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं सवाल। हो सकता है आपके साइड में नेटवर्क का इश्यू चल रहा हो, क्योंकि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वॉइस भी क्लियर आ रहा है, पिक्चर भी आ रहा है। हाँ जी तुलसी तुलशियान जी, आपको मेरा साउंड पूरा क्लियर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के साइड से प्रॉब्लम नहीं है, आपके साइड में नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ठीक है, तो आप कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अगर नहीं भी आ रहा है तो बस केवल बने रहिए। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा लेटर ऑन 2-3 घंटे के बाद। ठीक है, तो क्लास का थोड़ा सा है, आपको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद आपको इतना जिस समझ में आया कि हमारे पास जो भी ह्यूमन ब्रेन है उसमें जो सॉफ्टवेयर आपका लोड होगा वही बातें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए। तो इतना बात अगर आपको समझ में आता है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? चलिए, ये क्या है, देखा है कभी? Yes, ये है डॉग। ये क्या है? है ना, डॉग। और ये क्या है, राइट? चलिए, ये देखा है कभी आपने? जिसको देखा उसको तो आपने बता दिया, जिसको देखा है उसको तो बता दिया। व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोलिए सर। नहीं पता। नहीं पता, तो मैंने जानबूझ के भी ये फोटो डाला था कि जिस चीज को आपका दिमाग रीड करता है उसके बारे में तो फटाफट आंसर आप दे पाते हैं, लेकिन जो चीज को आपने देखा ही नहीं आज तक उसके बारे में आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई आपका अकाउंटेंसी में भी होने वाला है, बिकॉज अकाउंटेंसी में भी आपका जो कॉन्सेप्ट इसलिए अप्लाई हो रहा है कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10th तक जो आपने पढ़ा अकाउंटेंसी के बारे में सुना ही नहीं। जब पहली बार आप 11th में आए तो आपने सुना कि हाँ कॉमर्स पढ़ना है और उसमें एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, राइट? तो ये सेम अभी हाल ये होने वाला है इसका, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आपको फिगर को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से हम इस दोनों फिगर को देखते आ रहे हैं, तो आपका जवाब दिमाग ने दे दिया फटाफट, अरे ये। लेकिन जो फिगर आपने देखा ही नहीं उसके बारे में कोई नॉलेज आपको नहीं मिल पा रहा है, राइट? चलिए, तो ये जो फिगर है हमारे को मालूम नहीं है, हम कोशिश करेंगे हम मालूमात करने का, राइट? ठीक है, अब एक छोटा सा और एग्जांपल आपके सामने आएगा। आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हाँ जी। तो इसका क्या मतलब है, ये बचपन से सब हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आज डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि आपको जो ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर डालना है वो एक दिन में अगर डालेंगे तो शायद आपका ब्रेन जो है वो हैंग कर जाएगा। तो आपको एक कहानी इस पे हम डिस्कस करते हैं, एक प्यासे कौवे की कहानी। थ्रस्टी क्रॉ जो था क्या करता था, वो प्यासा जो कौवा था उसको प्यास लगी थी और मटके में जो पानी था वो नीचे था, राइट? तो उस प्यासे कौवे ने क्या किया, उस प्यासे कौवे ने
एक एक कंकड़ रोज बरोज आपका उसने क्या किया, उठा उठा के इस मटके में डालना शुरू किया। और जैसे ही मटके में ये डाला तो पानी का लेवल क्या आ गया, ऊपर आ गया और उसने प्यास को बुझा लिया। सेम आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, यू विल बिकम अ थर्स्टी क्रो। आपको प्यासा कौवा बनना है, प्यास तो जगाना पड़ेगा। और आप जो है ये कॉन्सेप्ट रूपी जो ये पत्थर है, एक एक करके रोज आप घड़े में डालेंगे, जैसे ही ये घड़ा भर जाएगा आप अपने 11th रूपी प्यास को बुझा लेंगे। Have you got it? Right? तो आपने बचपन में हमने सबने पढ़ाया गया था हम लोगों को कि एक प्यासा कौवा है, उसकी कहानी बहुत डिटेल में इस पे हम नहीं जा रहे, लेकिन आपको बनना पड़ेगा प्यासा कौवा। आपको आपके दिमाग में लगाना पड़ेगा कि हमको क्या एक्शन लेना है, एज ए स्टूडेंट आपको प्यासे कौवे की तरह ट्रीटमेंट करना है। चलिए, इतना बात समझ में आता है। तो अगर हम बात करें, एक और फिगर देखते हैं हम, आज हम बिल्कुल अकाउंटेंसी पे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर की बातें केवल कर रहे हैं, ताकि एक बार आपको रूबरू करवाया जा सके कि एक्चुअली में 11th में या कॉमर्स में होने क्या वाला है। चलिए, एक फिगर मैंने आपको दिखाया, क्या है ये फिगर, कभी देखा है ये फोटो को? यस सर, देखे हैं। क्या है ये, इसका नाम क्या है? वीट। गेहूं, हिंदी में इसको बोलते हैं गेहूं, राइट? चलिए, अगर ये वीट है, इसको बैग में हम पैक करके और कहाँ ले जा रहे हैं, हम इसको लेके जा रहे हैं कहाँ पे, ये क्या है? इसको पिसवाने ले जा रहे हैं मील में। मील है मतलब आटा मील है, क्योंकि आपको मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपने डे टू डे लाइफ में देखा है। चलिए, अगर हम इस आटा चक्की मशीन पे के पास, भैया के पास ले जा रहे हैं और कह रहे हैं, तो क्या करेगा ये, फाइनली हमको क्या कर देगा, गेहूं को पीस के आटा बना देगा, राइट? अब आप ले गए थैले को, उनके पास रख दिया और आप गए एक घंटे के बाद और आपने आटा लेके आ गए, राइट? जो उनका पैसा था वो पैसा आपने उनको दे दिया। अब ये मील वाले भैया क्या करते होंगे, ऐसे ही हो गया होगा क्या, सिंपल सिंपल आपने लगाया और काम हो गया? नो, यहाँ पे अंदर जो है मशीन है और उस मशीन में क्या है, चक्की लगा हुआ है। उन्होंने क्या किया होगा, इस गेहूं को उस चक्की में डाला होगा तभी आटा निकला होगा। अब ये मैं बात क्यों आपको डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपके पास जो गेहूं है ना, आपके पास वो गेहूं रूपी फॉर्म में रहेगा बुक का क्वेश्चन, राइट? अब क्वेश्चंस है आपके पास, आपको क्या करना है, आंसर यही है ना जी, गेहूं आपका क्वेश्चन है और आटा आपका आंसर है, आपके बुक में भी रहेगा क्वेश्चन और आपको क्या करना है, आंसर। जब क्वेश्चन से आंसर करोगे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे गेहूं को पीसने के लिए ये चक्की मशीन चाहिए, वैसे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपके दिमाग में क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है आज, कुछ नहीं, आज बिल्कुल कुछ नहीं, पहला दिन है, सब कुछ डाल देंगे। मैंने पहले ही बोला है कि अगर फर्स्ट डे में आपके दिमाग में बहुत सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ एक बार में, व्हाट्सएप भी, जूम भी, यूट्यूब भी, पता नहीं और सारे कितने एप्लीकेशंस हैं, तो दिमाग हैंग कर जाएगा, फोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? इतना बात समझ में आ रहा है आपने को, ठीक है जी, इतना बात समझ में आया आपने को? चलिए, अगर इतना बात समझ में आता है तो एक एग्जांपल और करके आज हम एंड करेंगे। क्या है एग्जांपल, हम लोग जो कॉमर्स पढ़ेंगे उसमें मेन फोकस हमारा रहता है वो है बिजनेसमैन, राइट? तो बिजनेसमैन है, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है रामलाल जी एक बिजनेसमैन है। हम उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि हम आगे चल के करने क्या वाले। मान लेते हैं ये रामलाल जी हैं और इनका ये किराना का शॉप है, किराने की शॉप है, ठीक है? तो एज ए कस्टमर हमको तो कोई मतलब नहीं है, हम तो जाते हैं, अंकल मैगी दे दो, 5 रुपया दिया लेके आ गए,
अंकल हमको कुरकुरे दे दीजिए, 10 रुपया दिया लेके आ गए। लेकिन आप रामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि रामलाल जी ने अगर दुकान ओपन किया हुआ है, इनका मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, अगर ये दिन रात सुबह 6 बजे से लेके रात प्रॉफिट अर्न करना, राइट? तो प्रॉफिट अर्न तो करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास से प्रॉफिट आएगा? तो कुछ उनको लिखना पड़ेगा, मतलब कितना खरीदा है, कितना बेचा है, कितना अपने पास स्टॉक में है, किसके यहाँ कितना बाकी है, किससे कितना लेना है ना? तभी जाके उनको सही चीज का पता चलेगा। वही काम हम लोगों करना है, आपको और हमको। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं, ये जो रामलाल जी है ये कंफ्यूज हैं कि ये सारा चीज कैसे निकले, तो क्या इनको सोचने की जरूरत है कि कितना हमने खरीदारी किया हुआ है, क्या परचेज है मेरा, क्या मेरा सेल है, क्या मेरा प्रॉफिट है, क्या मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, यानी कि कितना सामान मेरे पास पड़ा हुआ है ना, क्या मेरे क्रेडिटर्स है, मतलब जिससे मैंने उधार सामान खरीदा है वो लोग कौन है, कितने उनका बकाया है, कितना मेरा लोगों के यहाँ बाकी है, एसेट्रा एसेट्रा। तो यही सारा काम करने का जो मेथडोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, यही हमको कॉमर्स में पढ़ना है और इसी के बारे में जानकारी हासिल करना है कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। आई थिंक आज पहला दिन था तो इतना काफी है आपके लिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, ये वीडियो आपको आप टीचमेंट ऐप पे भी एनरोल करा लीजिएगा, वहाँ पे भी मैंने लिंक भेजा हुआ है, तो ये सारे वीडियो का लिंक आपको वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस, फिर मिलेंगे हम लोग कल 7 बजे से।